काशीपुर में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करके आक्रोशित हिंदूवादी लोगों ने काशीपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया के आज तक नामक व्हाट्सएप ग्रुप में एक युवक द्वारा हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक फोटो डाल दिए थे, जिसके बाद ग्रुप में अन्य हिंदूवादी लोगों के द्वारा काशीपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाल संजय पाठक से मिलकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। नवभारत समाचार काशीपुर उत्तराखंड से कुंदन शर्मा की रिपोर्ट। आप ऑलरेडी कर चुके, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये फाइल कर कोई चीज बड़ा चढ़ा के नहीं लिखी, जो है वो ही चीज। उनका कहना है कि हम दर्ज करते हैं, कहीं कहना कोई है कोई शब्द घटा बढ़ा के लिखा, बिल्कुल एक्चुअल जो चीज है वही लिखी है। शॉर्ट फिल्म कीजिए पकड़ी सर, वो एक सवा साल से हमारा मसला है, आप सबको पता है, हजारों बार हम आ चुके, जूते घिस चुके हमारे कि साहब अजान बंद नहीं हो रही। आप सबको कहना है सर कि कोई प्रथा जो है पता नहीं कब से बंद नहीं हो रही, जैसे आपका भी था, तो सर अगर कोई प्रथा बंद नहीं हो रही तो हमने भी तो अपनी प्रथा बंद करी है। परसों 15 तारीख को इस पर जिले में हम लोगों ने रखे थे, बिल्कुल सुन रहे हैं। अगर आप सुनाना चाहेंगे तो ऐसा थोड़ी कि एक समाज सुन रहा है दूसरा समाज नहीं सुन रहा। सवा साल हो गया सर हमें उनकी आवाज़ सुनते हुए, पूरा थाना उनकी आवाज़ सुन रहा है, लेकिन साहब प्रशासन पर फर्क नहीं पड़ रहा क्यों? ऐसा मुझे तो लगता है धार्मिक मनमान हम तो कम कर रहे हैं, आप लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि साहब किसी उसको कहने नहीं चाह रहे, करना ही नहीं चाह रहे, आपके फोनों में दम नहीं है या क्या नहीं, और हम लोग लड़ जाते हैं क्यों भाई, ऐसा क्यों? अभी जब पिछली बार आपने कहा था तो उसके बाद भी हमने मीटिंग लेकर के पालन तो कुछ नहीं। अरे सर अगर वो लोग किसी भी, आप जाके अगर थाने के दो व्यक्ति वहाँ खड़े हो जाते हैं और उतरवा देते हैं और उसमें पेनल्टी 1,00,000 रुपए की डलवा देते हैं, अभी लगा नहीं है अभी कहीं, अभी जब ये होता है कि जिस समय पे वो बता दें कि जिस समय पे होता है उसी समय रखते हैं। मैं आपसे, सब लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ शाम को 6 बजे आप यहीं खड़े होकर सुन लीजिए, थाने से 150 मीटर तक कोई भी, 200 मीटर तक कोई भी मस्जिद नहीं है, तो इसका मतलब 200 मीटर की आवाज़ यहाँ आती होगी तो इसके मोहल्ले में क्या होता होगा, कहने की क्या जरूरत है, वो तो आपको सुनाई देगा। चलिए दोनों लगा दिए हैं, वो भी इसका ग्रुप का भी लगा दिया और जो चित्र में था उसकी भी फोटो सर इसमें। ये हिंदू देवी देवताओं का खुला अपमान है और एक समाज द्वारा इसका अपमान को लगातार किया जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे असामाजिक तत्व जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं उनको रोका जाए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और यही हमें कोतवाल से भी कहना है, यही प्रशासन से कहना है कि इसकी पुनरावृत्ति को तुरंत रोका जाए। देखिए इसमें सोशल मीडिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोग कल रात से ही, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे क्षेत्र अधिकारी महोदय, एडिशनल साहब, रात से ही इसमें हम लोग काम कर रहे थे और काफ़ी कुछ जानकारी इसमें एकत्र की है। अभी यहाँ पर तहरीर हमको प्राप्त हुई है, इसमें तत्काल FIR दर्ज की जा रही है और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी, इस चीज़ का हम आश्वासन। देखिए एक व्हाट्सएप में ग्रुप है जिसका नाम आज तक करके है, उस ग्रुप में किसी व्यक्ति द्वारा हमारे हिंदू देवी देवताओं की एक आपत्तिजनक फोटो जो है डाली गई, और उक्त विषय में हम जो है आज उस विषय में आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसमें हमारी रिपोर्ट जो है दर्ज हो गई है, हमें रिसीविंग मिल गई है। देखिए हम अभी जो है रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर ली है और हमें आश्वासित कर दिया है कि उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी।